लेकिन इस चैप्टर के अंदर वो तो बेटा सोल प्रोपराइटर के थे, वो तो एक अकेला व्यक्ति था इसलिए वहाँ पे ये बन रहा था। इस चैप्टर के अंदर हम जो है एक अलग अकाउंट बनाना सीखेंगे जिसका नाम है पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है ये आपको समझना है। इसको समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा का जो है रिमाइंड करा देता हूँ कि आपने किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट और किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट नहीं बनाना है, कहीं आप सोचो हमें फिर से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो। हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना है बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनता है और बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से बनता है। तो अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ये पढ़ा था कि भाई इसका जो फॉर्मेट होता है वो जो है कुछ इस तरीके का रहता है। लाइक एक मिनट के ज़रा, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई इसमें सबसे पहली बात तो डेबिट साइड की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे पढ़ा था टू ओपनिंग स्टॉक, ये आता है सबसे पहले। फिर हमने पढ़ा था भाई यहाँ पे टू परचेज आ जाती है, इसमें से फिर जो है हम क्या माइनस कर देते थे, इसमें से हम जो है बेटा परचेज में से हम जो है माइनस कर देते थे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जो है ये माइनस होती थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस परचेज रिटर्न, तो हम यहाँ पे इसका अमाउंट लिख देते थे। फिर जो है यहाँ पे हम लिखते थे बाय सेल, यहाँ पे सेल आती थी, ठीक है। सेल का अमाउंट जो है, सेल का अमाउंट यहाँ पे आ जाता था इसमें से, मतलब सेल से रिटर्न माइनस करके, ठीक है जी। फिर हम यहाँ पे लिखते थे बाय, फिर हम यहाँ पे लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आता था। और फिर यहाँ पे जो बैलेंसिंग कम, यहाँ पे हम लिखते थे बेटा सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आपको कुछ याद हो कक्षा 11वीं का, यहाँ पे हम सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, लाइक वेजेस, फैक्ट्री, लाइटिंग, हीटिंग, ये सब। और अगर इधर की बैलेंसिंग कम आती थी तो हम यहाँ लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर इधर की बैलेंसिंग कम आती थी तो हम यहाँ लिखते थे ग्रॉस लॉस। इस तरीके से बेटा ट्रेडिंग अकाउंट को हम जो है बनाते थे, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या करते थे, ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। फिर हम इस ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे पी एंड एल अकाउंट बनाते थे। तो पी एंड एल अकाउंट जो है किस तरीके से बनाते थे ये ज़रा समझिए। पी एंड एल अकाउंट के अंदर कक्षा 11वीं में हमने ये सीखा था कि भाई पी एंड एल अकाउंट जो है ना ये क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, यहाँ पे अकाउंट्स के तीन रूल होते हैं बेटा। तो यहाँ पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होता था, यहाँ पे अकाउंट्स का तीसरा रूल एप्लीकेबल होता था। जैसे कि ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो क्या रूल अप्लाई होता था, रूल अप्लाई होता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे के सारे एक्सपेंस और सारे के सारे लॉस को हम क्या कर देते थे, डेबिट कर देते थे। क्रेडिट क्या करते थे बेटा, क्रेडिट करते थे ऑल इनकम्स एंड गेन, ये हम क्या कर देते थे, ये हम क्रेडिट कर देते थे। तो अब जो है यहाँ पे सबसे पहले ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, सबसे पहले हम क्या करते थे इसको, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करते थे, तो यहाँ लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। लॉस होता था तो लॉस को यहाँ लिख देते थे, क्या लिख देते थे हम यहाँ पे लॉस को, लॉस को हम यहाँ पे लिख देते थे टू ग्रॉस लॉस। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद बेटा सारे के सारे एक्सपेंस डालते थे हम यहाँ पे, लाइक किस सैलरी है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, बैड डेप्ट है, ठीक है, बैड डेप्ट है, मैनेजर की कमीशन है, या किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें बेटा यहाँ पे आती थी। यहाँ पे हम क्या क्या डालते थे, जो पैसा आ रहा है, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, वो हम यहाँ डाल देते थे। और उसके बाद अगर इधर की बैलेंसिंग कम आ रही होती थी तो हम लिखते थे नेट प्रॉफिट, अगर इधर की बैलेंसिंग कम आ रही होती थी, और अगर इधर की बैलेंसिंग कम आ रही होती थी तो उसको हम यहाँ पे लिखते थे नेट लॉस, अगर इधर की कम आ रही होती थी। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। इतनी रामायण कथा हम कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं बेटा। अब हमें क्या करना है, अब उसके बाद हम वहाँ पे क्या करते थे, जब हम सोल प्रोपराइटर करते थे तो इस अकाउंट के बाद
सीधा कौन सा अकाउंट बनाते थे बेटा? सीधा बैलेंस शीट बना देते थे हम, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनेगी यहाँ पे बेटा, वहाँ तो क्योंकि एक ही बंदा था, सारा का सारा प्रॉफिट, सारा का सारा जो लॉस है वो उसी एक बंदे का होता था बेटा। अब यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनेगी, यहाँ पे पी एंड एल के बाद एक अकाउंट बनता है जिसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। हमें ट्रेडिंग नहीं बनाना बेटा, हमें पी एंड एल भी नहीं बनाना, पी एंड एल तो फिर भी एक बार को आ सकता है, हमें इस चैप्टर के अंदर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना ही सीखना है, ठीक है, और हमें इसके अंदर कुछ नहीं सीखना। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, ये जो है बेटा इसकी, ये जो है इसकी डेबिट साइड है, ठीक है, और ये जो है इसकी क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनता है। सबसे पहले बेटा ये पी एंड एल के बाद बनता है, ठीक है। तो अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर सब कुछ जो है क्रॉस चलता है बेटा। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, सबसे पहले बेटा ये ट्रांसफ़र होके इधर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बाय, बाय किस अकाउंट से आ रहा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी प्रॉफिट है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, ये अकाउंट है क्या और ये अकाउंट क्यों बनाया जाता है, पहले आप ज़रा बेटा ये कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो अकाउंट है बेटा, ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। वहाँ पे तो एक ही बंदा था तो सारा उसी का था। तो ये अकाउंट बनाने का पर्पस ये है कि जो प्रॉफिट हुआ है, जो लाभ हुआ है पार्टनर्स के बीच में, साझेदारों के बीच में, उसका वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, ये इस अकाउंट को बनाने का मेन ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो बेटा सारा का सारा सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो है इस प्रॉफिट में से डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इस प्रॉफिट से इस प्रॉफिट का हम क्या क्या करेंगे, देखिए। इस प्रॉफिट में से सबसे पहले जो है बेटा, अगर हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, जैसे कि मान लो ए को, बी को, तो वो बेटा यहाँ पे आएगा, कैलकुलेट करेंगे कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा इस प्रॉफिट में से, सबसे पहले ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम बात करते हैं दूसरा, दूसरी चीज़ क्या है बेटा, दूसरी चीज़ जो है, दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व का मतलब क्या होता है, जनरल रिज़र्व का मतलब होता है बेटा कि अगर आप प्रॉफिट का कुछ पोर्शन फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हो, भविष्य के लिए आप अगर प्रॉफिट का कुछ भाग रखना चाहते हो कि काम आएगा, तो उसको बेटा रिज़र्व कहते हैं, ठीक है, संचय कहते हैं इसको हिंदी में। तो भाई ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इस प्रॉफिट में से अगर आप किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके की सैलरी दे रहे हो, पार्टनर की सैलरी लिखी है बेटा मैंने यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर बेटा किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन मिल रही है तो वो भी बेटा यहाँ पे आ जाएगा। पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है यहाँ पे आ जाएगा, पार्टनर को अगर कमीशन मिल रही है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट चलता है, हम बेटा फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जो 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 पैसा जा रहा है वो बेटा इस तरफ, और जो जो पैसा आ रहा है वो बेटा इस तरफ। आने वाला पैसा क्रेडिट साइड पे डाल देना है और जाने वाला पैसा जो है बेटा डेबिट साइड पे डाल देना है, आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ हो रहा है बेटा यहाँ पे, एक चीज़ हो रहा है, इसको हम कहते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये क्या होता है, ये ज़रा समझिए, और ये इधर क्यों आता है। मान लीजिए ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, तो ये बेटा यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये यहाँ पे क्यों आता है पहले ज़रा ये समझिए बेटा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर ने जो पैसा लगाया है उस पर बेटा फर्म जो है,
फर्म जो है वो अपने साझेदारों को, अपने पार्टनरों को पैसे दे रही है, ये फर्म को देने पड़ रहे हैं। तो मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ बेटा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैसे जा रहे हैं वो डेबिट साइड, और फर्म के पास जो पैसे आ रहे हैं वो क्रेडिट साइड, क्योंकि हम फर्म की अकाउंटिंग करते हैं, पार्टनर की नहीं कर रहे हैं, फर्म की कर रहे हैं। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म जो है वो पार्टनर को पे करती है इस वजह से, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे निकाल लेता है, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल लिए तो वो चीज़ ड्राइंग है, ठीक है। अब उस ड्राइंग पे वो पैसा बेटा उसका नहीं था जो पार्टनर ने निकाल लिया। अब उस ड्राइंग पे उस पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, उस ड्राइंग पे उस पार्टनर को जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बेटा ये पार्टनर को पे करना पड़ेगा किसको, फर्म को। तो इससे फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, इस वजह से ये कंपोनेंट यहाँ पे आता है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है बेटा आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा दो चीज़ें आती हैं, पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये यहाँ पे इसका आ जाएगा इधर टोटल, ठीक है जी। अच्छा, और इधर क्या क्या आएगा, इधर बेटा चार चीज़ें आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व, किसी भी पार्टनर की सैलरी और किसी भी पार्टनर की कमीशन। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो भी पैसा बचेगा बेटा, वो सारा का पैसा, सारा पैसा हम यहाँ पे लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या तो बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं या यहाँ पे जो है पार्टनर करंट अकाउंट लिखते हैं। कब कैपिटल लिखेंगे और कब करंट अकाउंट लिखेंगे, ये अभी हम आगे बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मुझे कैपिटल लिखना है या करंट लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए और यहाँ पे हम लिखेंगे बी, और जो भी प्रॉफिट हुआ है ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है बेटा। क्या करना है आपको, इस अमाउंट में से, इसमें से, इस अमाउंट में से ये चारों की चारों डिजिट आपको क्या कर देनी है, ये चारों की चारों डिजिट आपको माइनस कर देनी है। जितना भी पैसा यहाँ पे बचेगा वो बेटा पार्टनर के अंदर बांट देना है, जो भी उनकी प्रॉफिट रेशो होती है, जो भी उनकी प्रॉफिट रेशो होती है उस रेशो में ये प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये अकाउंट जो है आपका प्रॉपर बन जाएगा। इस फॉर्मेट को बेटा घोल के पी जाना है आपको। इस फॉर्मेट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने बोला इस अकाउंट को बनाने का क्या ऑब्जेक्ट है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है, जो नेट प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, साझेदारों के बीच में लाभ का वितरण किस तरीके से हो रहा है, इस अकाउंट को बनाने का मेन ऑब्जेक्ट ये है, डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है बेटा। ये जो भी पैसा फर्म के पास आ रहा है उसको क्रेडिट साइड डाल देते हैं, और जो भी पैसा फर्म के पास से जा रहा है उसको बेटा डेबिट साइड डाल देते हैं, दैट्स इट। अच्छा जी, अब जरा बेटा ध्यान से समझेंगे। अब जो है ये तो हो गया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो है यहाँ पे हर चीज़ की जो है ना बेटा, हर चीज़ की आपको जो है एंट्री समझनी है, एंट्री किस तरीके से की जाती है। एंट्री जो है बच्चे रटते हैं, एंट्री बेटा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसका ये फॉर्मेट, इसका ये प्रोफॉर्मा अगर आपको बहुत ही अच्छे से याद हो चुका है, आपको एक भी जनरल एंट्री लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। आप बिना उसके जो है जनरल एंट्री कर सकते हो बिना रटे। कैसे होती है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी कंपोनेंट की आप जनरल एंट्री करने जा रहे हो वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है या बेटा क्रेडिट साइड पे आता है, कहाँ आता है। अगर आपको ये पता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बिना रटे जनरल एंट्रीज जो है वो कर लोगे। कैसे होगी देखिए, जैसे कि बेटा मान मान लीजिए मुझे मुझे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या करनी है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो है जनरल एंट्री करनी है बेटा।
तो मुझे ये पता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये कहाँ पे आता है बेटा, ये डेबिट साइड पे आता है, ये डेबिट साइड पे आता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बेटा डेबिट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो डेबिट हो रहा है। तो बेटा मैं जनरल एंट्री करूँगा इसकी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेबिट टू में क्या लिखूँगा, डेबिट टू किस चीज़ की बात चल रही है बेटा, बात चल रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इसकी बात चल रही थी। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर दिया, और बात किस किस चीज़ की चल रही थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो लिख दिया। बेटा हर चीज़ की दो एंट्रियाँ होंगी, ठीक है, एक तो ये हो गई, ठीक है, एक तो ये हो गई। अब इसी चीज़ की एक दूसरी एंट्री होगी, क्या, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के बाद, अभी हम इसके अगली क्लास में सीखेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद बनता है बेटा, तो जो इधर वाली चीज़ें होंगी वो सब पार्टनर कैपिटल में इधर जाएंगी, और जो इधर वाली चीज़ें होंगी वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इधर आएंगी। लेफ्ट वाली साइड बेटा डेबिट होती है और राइट वाली साइड बेटा क्रेडिट होती है, इसके नीचे ही बनेगा बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरफ आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो है पार्टनर कैपिटल, आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाली एंट्री तो समझ में आ गई। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, जो चीज़ क्रेडिट करी है उसको डेबिट मार दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू क्या आ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से। वैसे तो मैंने बताया कि भाई क्रॉस एंट्री होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट कौन होगा, जिस चीज़ की एंट्री चल रही है। तो हर चीज़ की दो एंट्री होगी, तो मैंने जैसे सबसे पहली एंट्री कर दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इसी तरीके से मान लीजिए मुझे दूसरी एंट्री करनी है बेटा पार्टनर की सैलरी की, सैलरी की मुझे एंट्री करनी है, तो देखता हूँ मैं सैलरी कहाँ पे लिखी हुई है, पार्टनर की सैलरी ये लिखी हुई बेटा। अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, अकाउंट जो है यहाँ पे डेबिट हो रहा है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो भाई जनरल क्या करूँगा, पहली जनरल एंट्री क्या करूँगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखूँगा, डेबिट टू जो भी पार्टनर की सैलरी है बेटा, जो भी पार्टनर की सैलरी है, तो सैलरी लिख दूंगा, कमीशन की भी मैं एक ही साथ कर रहा हूँ बेटा, सेम ही एंट्री होगी, सैलरी हो या कमीशन हो, ठीक है, पार्टनर की सैलरी या बेटा कमीशन, कुछ भी मैं दे रहा हूँ। एक तो ये एंट्री हो गई, अब दूसरी एंट्री क्या करूँगा, दूसरी एंट्री, अब ये चीज़ मैंने बोला ये चीज़ इधर आएगी पार्टनर कैपिटल में, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिर से क्रेडिट होगा। तो बेटा अभी जैसे हमने ऊपर वाली एंट्री करी, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको भाई आपको क्या करना है, पार्टनर सैलरी या कमीशन जो भी आपने क्रेडिट करा लास्ट एंट्री में उसको डेबिट मार दीजिए, ठीक है, और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या कर दीजिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए। ये दोनों एंट्री किसकी हो गई, पार्टनर की सैलरी या पार्टनर की कमीशन की। अब जरा देखिए, अब अगर बेटा अगर मुझे, मैंने इसकी सीख ली, इसकी सीख ली, ठीक है, इसकी भी सेम ही ऐसी होगी। अब मान लीजिए अगर मुझे इसकी एंट्री करनी हो, इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इसकी जो है क्या एंट्री होगी, पहले मैं रिजर्व की बता देता हूँ बेटा आपको, रिजर्व्स, रिजर्व की क्या एंट्री होगी, रिजर्व की जो है केवल एक ही एंट्री होगी बेटा, ठीक है, रिजर्व की दो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये आगे पार्टनर नहीं जाएगा। तो रिजर्व कहाँ पे आ रहा है बेटा, पी एंड एल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, इसकी केवल एक एंट्री होती है, इसकी दो एंट्री नहीं होती। अब अगर बेटा मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री करनी है, इसकी एंट्री कैसे होगी, क्योंकि ये तो उस तरफ है, क्रेडिट साइड पे है,
तो इसकी जनरल एंट्री जरा ध्यान से समझिए। ये जो है इसमें पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, इसमें बेटा पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसके लिए पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट कौन होगा भाई, डेबिट वो होगा जिसकी बात चल रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक एंट्री तो ये हो गई बेटा इसकी, ठीक है। अच्छा अब मुझे इसकी दूसरी एंट्री करनी है, तो मैंने आपको क्या बोला बेटा, जो कंपोनेंट इधर होगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इधर आएगा, डेबिट साइड इसके नीचे ही बनाएंगे, वो भी हम सीखेंगे। तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो दूसरी एंट्री में क्या होगा बेटा, इसकी दूसरी एंट्री में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो गया, तो भाई फिर टू में क्या लिखूंगा, अब भाई टू में वो लिखूंगा जिसकी बात चल रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये लिखूंगा। तो ये किसकी एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई बेटा आपकी प्रॉफिट की। सिमिलरली अगर बेटा मेरे को इसकी एंट्री करनी है प्रॉफिट ट्रांसफर की, इसकी अगर मेरे को एंट्री करनी है, तो पी एंड एल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, पी एंड एल अकाउंट जो है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वो डेबिट हो रहा है बेटा। तो अगर मुझे प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री समझनी है कि भाई प्रॉफिट ट्रांसफर की जो है क्या एंट्री होगी, तो बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसकी जनरल एंट्री में लिखूंगा, इसकी भी बेटा एक ही होती है, दो एंट्री नहीं होगी, ठीक है। इसकी मैं लिखूंगा सॉरी दोनों में अभी लिख के दिखाता हूँ, क्या कहते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे जो है सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिल रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। प्रॉफिट मत लिख देना यहाँ पे, कहीं यहाँ पे प्रॉफिट लिख दो, टू प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रॉफिट किसको मिल रहा है बेटा, प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनर्स को। तो हमने ऊपर क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ए और बी को, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पार्टनर्स में, तो यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल आएगा, ना कि प्रॉफिट। तो बेटा जनरल एंट्री आपको जो है, जनरल एंट्री आपको जो है रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बेटा। आपको बस क्या करना है आज, आपको बस आज जो है ये फॉर्मेट को घोल के पी जाना है बेटा, ये फॉर्मेट आप घोल के पी जाइए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले प्रॉफिट ये इधर आता है, ठीक है जी, ये प्रॉफिट इधर आता है, इधर क्रेडिट साइड में केवल एक ही कंपोनेंट आता है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, और इधर ये क्यों आता है ये भी मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है ये मैंने आपको बताया, इधर क्यों आता है ये भी मैंने आपको बताया। ये सारे कंपोनेंट जो डेबिट हो रहे हैं ये इसलिए इधर आ रहे हैं क्योंकि फर्म के पास से बेटा पैसा जा रहा है, इस वजह से। जनरल रिजर्व क्या होता है ये मैंने बता दिया, पार्टनर की सैलरी क्या होती है ये मैंने बता दिया, इन सब चीज़ों में फर्म के पास से पैसे जाएंगे, इस वजह से ये सब कंपोनेंट डेबिट साइड पे आ रहे हैं, जबकि ये कंपोनेंट इधर क्यों आ रहा है, इसमें पैसे आएंगे और ये क्या होता है ये मैंने आपको बताया। तो ये फॉर्मेट आप घोल कर पी जाएंगे। हमको क्या करना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट इसके बाद बनेगा बेटा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के बाद बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो कैसे बनता है उसका क्या फॉर्मेट रहता है ये हमें सीखना है। और ये जो पांच चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, पांच चीज़ें हैं बेटा। इन पांच चीज़ों को हमको डीप से पढ़ना है कि पार्टनरशिप के अंदर इन पांचों हेड की ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है, एक एक चीज़ की ट्रीटमेंट हमको डीप से पढ़नी है, तब जाके हम जो है इस अकाउंट को बना पाएंगे। ये हमें इस चैप्टर के अंदर करना है बेसिकली। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है और किस तरीके से इसकी जो है जनरल एंट्रियाँ की जाती हैं।